वीडियो बना रहे हैं। ये मेरे साथ है ओल्ड एज पर्सन। तो आज हम जा रहे हैं ढिंडियाली। जा रहे हैं ढिंडियाली जहाँ गढ़वाली कल्चर को डिस्क्राइब किया गया है। हम आज जान लगे हैं ढिंडियाली। तो तक हम उन्हें मतलब वहाँ गढ़वाली कल्चर, गढ़वाली डिशेज वगैरह देखे। ढिंडियाली जैकेट क्या सोच के खरीदी? कैसा अच्छी खूबसूरत लग रही है लड़की। तो आप इसे सदरी बोलते हैं, इसे कुर्ता बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और आप तो नहीं जोड़ना पड़ेगा कभी? नहीं नहीं चलिए। तो ये नहीं, आई थिंक ये रायता है। ओके, पम्पकिन रायता। पम्पकिन रायता, हाँ। ये पोटैटो रायता। पार्टनर्स, क्या हाल है आप सबके? आज हम जाने वाले हैं, खुदा में नहीं पता, पहली बार, ठीक है ना। हम डिसाइड करेंगे चलते चलते। दो वीडियो बना रहे हैं। ये मेरे साथ है ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज, कोई बात नहीं, इसने मेरा ना हैंकी गिराया है जिससे मैं लेंस साफ करता हूँ, कोई बात नहीं। ये है कागल। ये हमारे विमल जी, ठीक है ना। और ये हूँ मैं, जो हर वीडियो में आपको मिलता है। देखा, हेलो पार्टनर्स। पक्का? तो आज हम जा रहे हैं ढिंडियाली। जा रहे हैं ढिंडियाली जहाँ गढ़वाली कल्चर को डिस्क्राइब किया गया है। हम आज जान लगे हैं ढिंडियाली। तो तक हम उन्हें मतलब वहाँ गढ़वाली कल्चर, गढ़वाली डिशेज वगैरह देखे। गढ़वाली कैफे। चलिए फिर मिल रहे हैं आपसे ढिंडियाली। तो पार्टनर्स, हम पहुंच चुके हैं ढिंडियाली। बताओ ये जैकेट क्या सोच के खरीदी? वैसे अच्छी खूबसूरत लग रही है लड़की। भीड़ है इधर। चलिए अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको ढिंडियाली। पार्टनर्स, चलते हैं अब अंदर की ओर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और आपको दिखाते हैं। चले, ये मैं नीचे जा रहा हूँ, एक रास्ता। तो ये अंदर अंदर हम ढिंडियाली की तरफ चलते हैं। ये बोलता चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर दोस्तों आपको गढ़वाली कल्चर के बारे में जानना है तो आपको ढिंडियाली आना चाहिए। यहाँ पर गढ़वाली कल्चर के बारे में सब कुछ बताया गया है। हाँ, तो टेंपल दिखाते हैं आप। और मैं अब ये अंदर की तरफ एंटर कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने, अंदर एंटर करते हो। अब अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं ढिंडियाली का। यहाँ पहाड़ी संस्कृति को बचा के रखा है। और ये मैम है, आप नाम बताया, दोबारा बताया अपना नाम। विद्या सुंदरी है, बाकी बहुत सुंदर लग रही है इस ड्रेस पे। ये गढ़वाली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये ढिंडियाली में क्या मैनेजमेंट करते हैं?
ये सब कुछ डिंडियाली में सब कुछ देखती है और डिंडियाली लोगों को स्वागत करती है। हाँ, लोगों का स्वागत टीका लगाना आप ये दिखाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से, ये लोगों का स्वागत करके दिखाएंगे। जस्ट इसके बाद हम आपको दिखाते हैं और डिंडियाली के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी चीज को प्रेजेंट करती है जो गढ़वाली कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप इन्हें देख सकते हैं, इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज गढ़वाली कल्चर। नथ पहनी है, नथानी बड़ी, और ड्रेसअप इनका देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, गढ़वाल को प्रेजेंट करता है। ठीक है ना, अब ये दिखाएंगे कि ये स्वागत कैसे करते हैं आप। चलिए टीका लगाते हुए देते हैं शायद गढ़वाली कल्चर, आप तो नहीं जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्वागत करते हैं टीका लगा के। चावल लगा दिया, हो गया, ठीक है, हो गया। लगान, लगवाने वाले खुद बोल रहे हैं, ये जब हमारे पहाड़ों में मेहमान आते हैं जी जी, हाँ पिठाई लगाते हैं। थैंक यू मैम, भोजन भी मिलता है जिसका मेन्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर दालें हैं, कुछ आर्ट्स बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। जाला बोलते हैं, ये धान कूटने के काम आता है। ओके, कूट के दिखाओ। ये ओखलेट है, हाँ ये गढ़वाली की चीज है, ये अड़स है, ये बहुत फेमस मिठाई है गढ़वालियों की। अच्छा, दिखाओ दिखाओ और दिखाओ। दिस इज गढ़वाली दाल, आई थिंक छेमी। यहाँ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, गढ़वाली अचार पर बर्थडे में, गढ़वाली तो पर बर्थडे में। सर ये देखो घोड़े के ऊपर गधा, गढ़वाली बुखड़े, दिस इज कॉल्ड गढ़वाली बुखड़े। सर ये भी देखो घोड़े के ऊपर गधा। अच्छा, घोड़े के ऊपर गधा, ये वही गधा है जो धमाल पिक्चर में दिखा था। वेलकम। हेलमेट के साथ, वेरी गुड वेरी गुड। ये सर आपको गढ़वाल पे ही मिल सकता है, गोधा गधा विद घोड़ा विद हेलमेट, ऐसे ऐसे करके धान नजी होते हैं, तो वो इस टाइप का हुक्का पीते हैं। उनके ये पेंटिंग बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है, गढ़वाल को दर्शाया गया है, गढ़वाल के बूढ़े बुजुर्ग कैसे रहते हैं। सब लोग देख सकते हैं, जो गढ़वाली चौखट होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ये भुट्टे टंगे हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ नीचे होते हुए बिल्कुल अंदर एंटर हो चुका हूँ, और आपको दिखाते हैं हम अंदर का नजारा कैसा दिखता है। ये आपको विमति धनुष चला के दिखाएंगे। स्वाति का हार्ट वेदन करूंगा मैं। अंदर जाके देखते हैं, ये एक रूम और है, ये देखिए बड़ा प्यारा बनाया गया है रूम को। घूमने गए थे, घूमने आए हैं जी, पहली बार आए। अच्छा, पहली बार कहाँ से? अभी यही देहरादून से। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको अभी? तो देखिए अच्छा लग रहा है अपने पहाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ का मीनू है। अच्छा, ये यहाँ का मीनू है, स्टार्टर हो गया, चटनी, उड़द के पकौड़े, उड़द के पकौड़े, स्वाला, सूजी के पकौड़े, छोले और रोटी, हाँ ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत ही पसंद थी। चलिए थैंक यू। ये चटनी आई थिंक, ये रायता है। ओके, पम्पकिन रायता। हाँ, ये पोटैटो ड्राई पानी भरते है, यो बंटा। चल के दिखाओ कृपया। तो आप ये देख सकते हैं, कोई फॉरेन के लोग नहीं, ये एक्चुअली में ऐसे ही छतें बनाई जाती है। नहीं होती, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी डायरेक्ट नीचे आ जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे बड़ा ही मतलब बहुत बहुत मेरे पीछे, ये आगे चलते हैं थोड़ा। देख आप, तो पार्टनर्स ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन का साधना का। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां की मेडिटेशन, एक्चुअली थोड़ा छोटा है तो ऐसे हमें झुक के जाना पड़ेगा, ऐसे 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 मैं झुका और झुक के यहां से सीधा मेडिटेशन सेंटर के अंदर। आप देखें
कितना 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 अद्भुत बनाया है, कितना बेहतरीन बनाया है। तो ये अंदर आया हूँ, यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना रखा, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा है। और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा किस तरीके से कितना अच्छा बनाया गया है। मेरे पीछे क्या मूर्ति लगी हुई है, बड़ा अच्छा है। और ये ऊपर लाइटें लगी हुई हैं सारी, ठीक है ना। और ये गिटारिस्ट भी बन जाते हैं। ये देखिए सेंटर देखा है, ये उसके जस्ट किनारे वाला। आई थिंक जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये रेस्टोरेंट का एरिया है, यहाँ लोग बैठ के खाना खाते हैं। अभी मुझे एक महाशय मिले जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो भी एक ब्लॉगर है, जॉली ग्रांड में काम करते हैं, ठीक है। उनके पास GoPro है, तो GoPro से वो अपने चैनल पर विलेज के बारे में दिखाते हैं। और जो साउथ इंडिया से यानी कि केरल साउथ से जो लोग आते हैं तो उनकी वीडियोस देख के यहाँ पर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं अभी डिंडियाली जहाँ पर हम लोग आए हैं उसकी छत पर खड़ा हूँ, और यहाँ से जो आप नज़ारा देख सकते हैं पूरा पीछे देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे, तो यहाँ पर बिल्कुल ही नेचर के बीच है, हरे भरे इन्वायरमेंट के बीच में बनाया गया है, बिल्कुल वादियों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पर गढ़वाल की उत्तराखंड की सारी मतलब जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन सबको परोसा गया है, चाहे वहाँ का खाना हो, चाहे वहाँ का अनाज हो, ठीक है, वहाँ की संस्कृति हो, वहाँ का पहनावा हो, सब चीज़ आपको यहाँ दिखेगी। अगर आप उत्तराखंड की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप लोगों को विजिट करना ज़रूर चाहिए डिंडियाली। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।